हे गाइस, जब भी इंडियन डॉग ब्रीड की बात आती है तो मैं काफी खुश होता हूँ और मुझे काफी मजा आता है इनकी वीडियो बनाने में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अपनी इंडियन डॉग ब्रीड किसी से भी कम नहीं है और मुझे काफी प्राउड फील होता है क्योंकि मेरी वजह से अपनी इंडियन डॉग ब्रीड थोड़ी बहुत प्रमोट जरूर होती है। एंड साथ में मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन भी करना चाहूंगा और वो ये है कि इंडियन डॉग ब्रीड में से आपकी फेवरेट डॉग ब्रीड कौन सी है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और देखते हैं कि आप में से कितने लोगों के कौन से आंसर होते हैं। वैसे आप लोगों को बता दूं कि आज जिस डॉग ब्रीड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो अपनी एक मस्टिफ डॉग ब्रीड जो है बुल्ली कुत्ता। वैसे इस ब्रीड को हम लोग इंडियन मस्टिफ, सिंधी मस्टिफ और अलुंगा मस्टिफ के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग प्योरली इंडियन डॉग ब्रीड लवर हैं तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन पपीज को परचेज करने का। तो फ्रेंड्स, पपीज जो है वो काफी अच्छी क्वालिटी में है और काफी एक्टिव भी, और इनके साइज की वजह से ये काफी डेंजरस दिखते हैं। तो इसी वजह से बुल्ली कुत्ता को काफी पावरफुल, मस्कुलर, रफ एंड टफ एंड थोड़ी अग्रेसिव डॉग ब्रीड माना जाता है, और कहा जाता है कि वन मैन आर्मी की तरह होते हैं जो अपनी फैमिली के लिए हद से ज्यादा लॉयल होने के साथ साथ अपनी फैमिली को किसी भी कीमत पर गार्ड करेंगे। और इनके होते हुए मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के घर में कोई भी आने की हिम्मत करेगा। वैसे गाइस, बुल्ली कुत्ता को एक प्रॉपर सोशलाइजेशन एंड ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि काफी इजी ट्रेंड भी हो जाते हैं। इन्हें ट्रेंड करने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि अपनी जो इंडियन डॉग ब्रीड है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, वो फिर चाहे कोई सी भी डॉग ब्रीड हो। बट प्लीज, अगर आप लोग बुल्ली कुत्ता को परचेज कर रहे हो तो इन्हें कम से कम मीडियम साइज के घरों में जरूर रखें, ताकि जहां पर ये फ्रीली घूम सके और कंफर्टेबली रह सके। तो चलिए फ्रेंड्स, पपीज के साथ साथ बात करते हैं इनके पेरेंट्स के बारे में। तो ये देखिए गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज के मदर और फादर हैं, दोनों ही काफी शानदार क्वालिटी के हैं। तो जो लेफ्ट साइड में है वो है पपीज की मदर और जो राइट साइड में है वो है फादर। बाकी गाइस, इन दोनों की हाइट क्या है इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, तो इस चीज को लेकर आप लोग डॉग ओनर से डिस्कस कर सकते हो। ओनर कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि पपीज होम ब्रीडिंग के हैं तो इनकी केयर वगैरह भी काफी अच्छे से होती है। वैसे दोस्तों, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ओनर्स हैं तो भी आप लोग इन्हें परचेज कर सकते हैं, बस आप लोगों को अपना थोड़ा सा टाइम इन डॉग्स के साथ स्पेंड करना होगा इन्हें अपना अच्छा कंपेनियन डॉग बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर पपीज की एज के बारे में बात करें तो भाई ये पपीज 42 डेज के हो चुके हैं, और इनकी जो लोकेशन है वह बहादुरगढ़ हरियाणा से। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि डिलीवरी में आप लोगों को अच्छा खासा ऑप्शंस मिल जाता है, उन्हें आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। बट सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल है जो कि डायरेक्ट ओनर के पास जाकर इन्हें परचेज करने का है। एंड फाइनली, अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो भाई ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 14,000 पीस 14,000 रुपए एंड फीमेल की 12,000 पीस यानी 12,000 रुपए। बट इस प्राइस में भी आप लोग कम करवा सकते हैं क्योंकि उस प्राइस जो है वो नेगोशिएबल है। तो क्वालिटी के हिसाब से प्राइस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो मिलता हूं आप लोगों से एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।